बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तोफिक विद कुकिंग चैनल में आपका वेलकम है। आज हम बना रहे हैं अंडे वाला रोल, और ये कैसे बनता है और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैदा आटा वन प्याली, दो अंडे, बेकिंग सोडा हाफ टी स्पून से भी चुटकी भर, नमक हसबे जायका हाफ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च चुटकी भर, ज़ीरा, पिसे हुए कटे हुए धनिया और गरम मसाला, ये दोनों चुटकी भरें। और चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। मैदा आटा जो हमने छान के रखा था, बेकिंग सोडा, नमक चुटकी भर, और 1 teaspoon ऑयल। यहाँ पे मैं सन ऑयल यूज़ करता हूँ, और सन ऑयल बहुत अच्छा है, खाने लायक भी है उनमें। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, जो हमारा आटा है हमें सख्त गूंथना है, और ना कि पतला, और के हमें बनाना है, और ये डो है जो हमें सख्त बनाना है, डो को संबोधे की शेप में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो आटा है वो मैंने गूंथ लिया है। अब इसको मैरिनेट करके रखेंगे 10 मिनट के लिए, तब तक हम अंडे की शेप बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं अंडा भी। चलिए, तो मैंने दोनों अंडे डाल दिए हैं। मसाले डालते हैं, ज़ीरा, कुटे हुए धनिया और गरम मसाला, और नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, अंडा हमने अच्छी तरह फेंट लिया है। अब चलिए इनको बनाते हैं। चूल्हे को लगाएंगे आग, गैस को करेंगे ऑन। अब उस पर कढ़ाई रखेंगे, अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, तकरीबन 5 स्पून खाने के स्पून डालेंगे। जब तक हमारा ऑयल गर्म नहीं होता है तो इसमें अंडे नहीं डालेंगे। चलिए, तो हमारा ऑयल गर्म हो गया है, तो इसमें डालेंगे अंडा। हमारा अंडा है जो वो बिल्कुल पक चुका है, तो अब इनको उतारेंगे चूल्हे से, इतना ज़्यादा नहीं इनको पकाएंगे। हम और भी बना लेंगे ऐसे। चलिए, हमारे अंडे रेडी हैं, तो चलिए इनका डो बनाते हैं, और इनका जो रोटी है, रोल है, इनका रोल बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम ऐसे बनाएंगे डो, देखिए। थोड़ा डस्टिंग करेंगे इसको,
चलिए तो मेरा रोटी बन गया, तो अब इस पे अंडा रखते हैं। और थोड़ा केचप, और फिर इनको रोल करेंगे। अब इसको थोड़ा पानी से गीला कर देंगे, फिर इनको चिपकाने। ठीक है, अब ये देखो ये हो गया। इसको ऐसे इनको बंद कर लेंगे यहाँ से, और इनको भी ऐसे बंद कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया बंद। ये देखो हमारा रोल बिल्कुल तैयार है। तो चलिए ऐसे और भी बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रोल बन गए हैं। चलिए तो इनको फ्राई करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, फ्राई शुरू करते हैं। ठीक है, पहले चूल्हे को लगाएंगे आग, गैस को करेंगे ऑन। अब ऐसे रखेंगे, अब इस पे 1 कप ऑयल डालेंगे। जब तक हमारा ऑयल गर्म नहीं होता तो इसमें रोल नहीं डालेंगे। चलिए तो हमारा ऑयल गर्म हो गया है, तो हम इसमें एक एक करके डालेंगे। पर ध्यान से हमें जो आग है वो मीडियम टू लो रखनी है, ताकि हमारे अंदर से भी पक जाए और बाहर से भी फ्राई हो जाए। तो चलिए इनको फ्राई करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, मुफीद चीज़ है। और आप अपने बच्चों को ये बना के खिलाएं और बच्चे भी खुश हो जाएंगे, और लंच बॉक्स में भी आप सुबह इनको बच्चों को दे सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये बहुत अच्छे बनेंगे। अल्लाह हमारा जो रोल था वो फ्राई हो चुका है। तो चलिए इनको डिश आउट करके फिर दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए तो डिश आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो अंडा रोल है वो बिल्कुल रेडी है, और पक्के और फ्राई हो चुका है, और ये बहुत क्रेवसी हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अपने बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हो स्कूल के लिए, और बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और आज की मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, ताकि मेरी अच्छी वीडियो आप लोगों को आसान से मिल जाए। और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मेरी अच्छी वीडियो आप लोगों को आसान से मिल जाए। और कमेंट करके बताइएगा कि आज की रेसिपी कैसी लगी। और आज के लिए इतना, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद।